चपाटी, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो वीडियो है ये मैंने बनाया है क्लास 10th के ऊपर, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस चैप्टर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब इट राइट नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट डाई हाइब्रिड क्रॉस। मैंने लास्ट मेरा जो वीडियो है वो मैंने बनाया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस के ऊपर, उसमें हमने हेरिडिटी इवोल्यूशन का इंट्रोडक्शन पूरा देख लिया था। मेंडल ने क्यों पी प्लांट सिलेक्ट किया, कौन से उसने कैरेक्टर्स स्टडी किए पी प्लांट के ऊपर, ये सारा कुछ मैंने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है। तो आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ओके, एंड मेनी स्टूडेंट्स वर आस्किंग मी अबाउट चैनल्स फॉर फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, तो उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, यू कैन गो एंड चेक देम आउट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद डाई हाइब्रिड क्रॉस। डाई हाइब्रिड क्रॉस का मतलब है जहां पे हमने दो कैरेक्टर्स को लिया है एट अ टाइम। जहां पे मेंडल ने क्या किया था, दो कैरेक्टर्स की स्टडी की थी एट अ टाइम। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अंदर मैंने आपको बताया था कि मेंडल ने क्या किया था, सिर्फ एक कैरेक्टर की स्टडी की थी एट अ टाइम। डाईहाइब्रिड क्रॉस में मेंडल ने क्या किया, दो कैरेक्टर्स की स्टडी करी एट अ टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे आप कोई से भी दो कैरेक्टर्स ले सकते हो। जो मैंने आपको लास्ट क्लास में 7 pairs ऑफ अल्टरनेटिंग कैरेक्टर्स बताए थे, उसमें से आपको एग्जाम में कोई भी दो कैरेक्टर्स पूछ सकते हैं, आप कोई भी दो कैरेक्टर्स ले सकते हो। अभी एट प्रेजेंट जो आपको एनसीईआरटी में दो कैरेक्टर्स लिए हैं उसके थ्रू मैं आपको क्रॉस समझाऊंगी। बाद में मैं आपको बताऊंगी ट्रिक्स कि हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस भी पूछ लिया तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ओके, सो द टू कैरेक्टर्स विच मेंडल स्टडीड वॉज सीड शेप एंड सीड कलर। तो सीड शेप में आपने क्या देखा, डोमिनेंट कैरेक्टर था राउंड और रिसेसिव कैरेक्टर था रिंकल्ड। और सीड कलर में हमने देखा डोमिनेंट था येलो और रिसेसिव था ग्रीन। ठीक है, तो यहां पे राउंड के लिए कैपिटल आर, रिंकल के लिए स्मॉल आर, येलो के लिए कैपिटल वाई और ग्रीन के लिए स्मॉल वाई, ये हमारे अल्फाबेट्स रहेंगे। अब जो फर्स्ट हम लोग क्रॉस करेंगे दैट विल बी बिटवीन प्योर राउंड एंड येलो, यहाँ पे हम ये कैरेक्टर को साथ में ले रहे हैं, वर्सेस रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये हमारा क्रॉस होगा राउंड एंड येलो वर्सेस रिंकल्ड एंड ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, गैमेट्स बनाएंगे। अब जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा था तो उसमें तो गैमेट बनाना काफी आसान था, क्योंकि मोनोहाइब्रिड में हमने देखा था इस तरह से, तो यहाँ पे तो दोनों सेम थे। तो गैमेट्स में हमने क्या किया था, इसको ऐसे सेग्रीगेट कर लिया था, तो इट वॉज क्वाइट ईजी। अब यहाँ पे गैमेट्स कैसे बनाएंगे ये मैं आपको सिखाती हूँ। तो पहले तो यहाँ पे भी जो सेम है, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, अब यहाँ पे हमें दो कैरेक्टर्स को एक साथ स्टडी करना है, तो यहाँ पे एक गैमेट यानी एक पॉसिबिलिटी है आर वाई, सारे आर वाई क्योंकि ये सारा सेम है, तो ये ही पॉसिबिलिटीज गैमेट्स की है। और यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है, ऐसे तो हम यहाँ पे चार लिखना चाहिए, आर वाई ये वाला आर ये वाला ऐसे करके, बट फॉर अवर कन्वीनियंस वी आर राइटिंग ओनली टू। ठीक है, अब इसको क्या करो, एक चांस क्या है, ये इसके साथ जाके फ्यूज करेगा, तो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अगर आप ऐसे लिखते हो इसे आर वाई तो ये आपका हो जाएगा रॉन्ग। ठीक है, क्योंकि आपको जो कैरेक्टर है राउंड तो उसके दोनों को साथ में लिखना है, और येलो वाला दोनों आपको ऐसे साथ में लिखना है। ठीक है, अब दूसरी चांस भी यही है, थर्ड पॉसिबिलिटी एंड द फोर्थ पॉसिबिलिटी, तो ये तो सारे सेम आए। ये हमारे पास क्या आई, F1 जनरेशन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था F1 जनरेशन का मतलब होता है फिलियल वन यानी कि फर्स्ट जनरेशन। तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको मिले ऑल राउंड एंड येलो। अब मैंने क्यों बोला ऑल राउंड एंड येलो, डोमिनेंट है कैपिटल आर, देखो सब में एक एक कैपिटल आर है, जब तक एक एक कैपिटल आर होगा सब कैसे दिखेंगे, राउंड। येलो के लिए देखो सब में एक एक कैपिटल वाई है,
जब तक एक एक कैपिटल वाई है तो सारे कैसे दिखेंगे आपको, येलो दिखेंगे, ठीक है। सो आई होप ये समझ में आया आपको। ये हमने निकाला है F1, ठीक है। अब मैंने जैसे बताया था कि जो फर्स्ट क्रॉस है मेंडल F1 के लिए जो करता है वो होता है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। अब हम कराएंगे इनके बीच में सेल्फ फर्टिलाइजेशन। अब हम क्या कराएंगे, हम लोग इनके बीच में अब कराने वाले हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। ओके, तो देखते हैं सेल्फ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे F1 जनरेशन में जो मुझे ऑफस्प्रिंग्स मिले थे उसमें से दो को मैंने ले लिया है सेल्फ फर्टिलाइजेशन के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे गैमेट्स बनाएंगे। अब यहाँ पे गैमेट्स बनाना इज अ रियल चैलेंज, डिफिकल्ट फॉर यू, तो मैं आपको सिखा देती हूँ। ओके, अब पहले आप ध्यान से देखना, मैं आपको सिखा रही हूँ गैमेट कैसे यहाँ पे बनाएंगे। कैपिटल आर फर्स्ट पॉसिबिलिटी जाके बनाएगा कैपिटल वाई, सेकेंड पॉसिबिलिटी कैपिटल आर स्मॉल वाई, थर्ड पॉसिबिलिटी स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड फोर्थ पॉसिबिलिटी स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो हमने यहाँ पे सिंपल प्रोबेबिलिटी पॉसिबिलिटी के बेसिस पे देखा है ये, तो ये हमारे चार गैमेट्स बन गए। अब यहाँ पे मैं चारों इसलिए लिख रही हूं क्योंकि ये चारों अलग अलग है, ठीक है। आगे F1 में क्या था, चारों सेम थे, तो मैंने सिर्फ दो लिखे क्योंकि चारों सेम है, रिजल्ट सेम आने वाला है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट यहाँ पे क्योंकि चारों अलग अलग है तो हमें लिखने पड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट्स अलग आएंगे, ठीक है। अब ये वाले में भी वही चार गैमेट्स बनेंगे, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल आर स्मॉल वाई। तो ये हमारा कुछ बन गया गैमेट टाइप का। अब इनके बीच में होने वाला है क्रॉस। अब ये जो क्रॉस होगा, अगर आप इसको यही तरीके से करने जाओगे इसको सबके साथ, तो ये बहुत ज्यादा लंबा और कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो इसलिए इसके लिए हम यूज करते हैं पनेट स्क्वायर, जो पनेट नाम के साइंटिस्ट ने डिजाइन करा था, ठीक है। पनेट स्क्वायर से हम इसको आसानी से कर लेंगे। तो मुझे पनेट स्क्वायर में सिंपल क्या करना है, ये जो चारों गैमेट है उसको यहां पे लिख लेना है, आर वाई तो ये मैंने अपने चारों गैमेट को लिख लिया। अब क्या करना है, ये वाले जो चार गैमेट है इसको यहां पे लिख लेंगे, तो ये मैंने चार गैमेट को यहां पे लिख लिया, ठीक है। अब क्या करना है हमें, तो सिंपली स्क्वायर भरते जाना है। तो ये देखो, ये दोनों का क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, फिर इसके साथ फिल करो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसके साथ कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो ऐसे करके पूरा टेबल हम लोग फिल करेंगे। अब ये वाला जो है इसको इन चारों के साथ क्रॉस कराएंगे। बट एक चीज याद रखना, हमेशा जो डोमिनेंट है कैपिटल है वो पहले लिखा जाएगा, स्मॉल वाला बाद में लिखा जाएगा फॉर अ सिंगल कैरेक्टर। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कुछ इस तरह का है गैमेट, तो ऐसे नहीं लिखेंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई फिर स्मॉल आर स्मॉल वाई, ये हो जाएगा गलत। आपको ऐसे लिखना है, तो राउंड का कैपिटल पहले और येल्लो का कैपिटल पहले, ठीक है, अगर आपके पास एक कैपिटल प्रेजेंट है तो। अब ये टेबल को हम लोग फटाफट से भर देंगे। स्टूडेंट्स आई विल सजेस्ट मेरे साथ साथ आप भी नोटबुक में ये टेबल बनाइए, क्योंकि ये टेबल बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में सीधा 5 मार्क का क्वेश्चन आपको आ सकता है और ये टेबल बनाना आपको आना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप भी आपके नोटबुक में ये साथ में टेबल बना दीजिए, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे टेबल बना दिया है। अब ये जो आपको यहाँ पे पूरे दिख रहे हैं जो मैंने रेड कलर से बनाए हैं, ये सारे है हमारे F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स। क्या है ये, F2 जनरेशन के ऑफस्प्रिंग्स है ये, ठीक है। तो ये क्लियर हुआ आप सबको, F2 जनरेशन के ये सारे हमारे पास ऑफस्प्रिंग्स आ चुके हैं।
अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है फिनोटाइप एंड जीनोटाइप रेशियो। अब हमें यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है, तो अब हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है इनका फिनोटाइप और इनका जीनोटाइप रेशियो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे फिनोटाइप। फिनोटाइप यानी कि मैंने आपको बताया कि जो फिजिकल कैरेक्टर्स को देख के हम जो रेशियो निकालते हैं उसे बोला जाता है फिनोटाइप रेशियो। तो यहाँ पे आपको चार तरह के कैरेक्टर्स देखने मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, चार गैमेट्स है, वी हैव फोर गैमेट्स। तो आपको फिनोटाइप का रेशियो चार में मिलेंगे, डैश इज टू डैश इज टू डैश इज टू डैश। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में आपको दो में मिला था, क्योंकि वहां पे दो गैमेट्स बने थे, यहाँ पे चार गैमेट्स बने हैं, तो आपको चार के फॉर्म में रेशियो मिलेगा। अब आप देखिए आपको क्या रेशियो मिल सकता है, तो एक आपको मिल सकता है राउंड येल्लो कितने हैं, एक आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, यू कैन कैलकुलेट कि राउंड एंड येलो कितने हैं। ये एक पहली पॉसिबिलिटी हो गई। दूसरा, राउंड के साथ ग्रीन कितने हैं। तीसरा, व्रिंकल के साथ येलो कितने हैं। और चौथा है, व्रिंकल के साथ ग्रीन कितने हैं। ठीक है, तो ये चार बेसिस पे आप रेशियो निकालोगे। हम लोग ये चार चीजों को देखेंगे, फिजिकली कौन सा राउंड येलो दिखेगा, कौन सा राउंड ग्रीन दिखेगा, व्रिंकल येलो कौन सा दिखेगा और व्रिंकल ग्रीन कौन सा दिखेगा, इसके बेसिस पे हम अभी रेशियो इनका कैलकुलेट करेंगे। तो ये पनेट स्क्वायर के अंदर हम लोग ऑफस्प्रिंग्स देखेंगे और हम लोग काउंट करेंगे। तो पहले तो मैं आपको बता दूं हमें किसे राउंड और येल्लो में गिनना है। अगर दोनों कैपिटल आर है तो वो तो राउंड ही होगा। ठीक है, कैपिटल आर और स्मॉल आर वाला भी कैसा होगा, राउंड होगा, क्योंकि कैपिटल आर प्रेजेंट है। दोनों कैपिटल वाई वाले येल्लो होंगे, कैपिटल वाई स्मॉल वाई वाले भी येल्लो होंगे, क्योंकि येल्लो डोमिनेंट है। तो अब आप देखो आपको आर आर वाई वाई और ये वाले कितने दिख रहे हैं इस पनेट स्क्वायर में, या तो आपने जो बनाया है उसमें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कट करती जाऊंगी मुझे जितने दिखेंगे उनको, वन टू थ्री फोर फाइव। अब मैं इसको कट नहीं करूंगी क्योंकि यहाँ पे दोनों स्मॉल वाई है और हमें एटलीस्ट एक कैपिटल वाई चाहिए। सो दिस, इसको मैं कट नहीं करूंगी। तो कितने, वन टू थ्री फोर फाइव, फिर ये वाला सिक्स, यहां पे भी दोनों स्मॉल वाई है तो इसको भी कट नहीं करेंगे, सेवन एट, यहां पे दोनों स्मॉल आ रहे तो इसको भी कट नहीं करेंगे, यहां पे भी दोनों स्मॉल आ रहे, नाइन, दोनों स्मॉल वाई है, स्मॉल आर है, दोनों स्मॉल आर है। ठीक है, तो मुझे इस टेबल में राउंड और येल्लो कितने मिले, तो मुझे इस टेबल के अंदर, मुझे इस टेबल के अंदर राउंड और येल्लो मिले हैं नाइन। तो मैंने यहां पे लिख लिया नाइन। अब मुझे काउंट करना है राउंड और ग्रीन। अगेन राउंड है तो आपके पास दो कैपिटल आर या एक कैपिटल आर स्मॉल आर होना चाहिए। ग्रीन है, अब ग्रीन तभी पॉसिबल है जब दोनों स्मॉल वाई हो, तभी ग्रीन कलर बनेगा। तो ये एक पॉसिबिलिटी, आर आर स्मॉल वाई या आर आर स्मॉल वाई, तो वैसा वाला अब हमें काउंट करना है। अब मैं क्या करूंगी, क्रॉस बनाती जाऊंगी जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, तो ये देखो जो काउंट कर चुके हैं उसको अभी नहीं देखना है, जो बचे हुए हैं उसमें से हमें काउंट करना है, क्योंकि जो काउंट कर लिए वो तो राउंड एंड येल्लो है। तो अब बचा हुआ देखो ये है, तो ये आएगा हमारी कैटेगरी में, तो हाँ दोनों कैपिटल आर है, दोनों स्मॉल वाई है, तो वन, यहाँ पे एक कैपिटल आर स्मॉल आर यानी राउंड, और दोनों स्मॉल वाई है यानी टू, दोनों स्मॉल आर नहीं है, ये भी काउंट नहीं होगा, ये दोनों काउंट नहीं होंगे क्योंकि दोनों स्मॉल आर है, एंड दिस वन इज थ्री। तो आपको राउंड एंड ग्रीन यहां पे मिले है तीन। ठीक है, उसके बाद व्रिंकल और येल्लो। अब व्रिंकल तभी बन सकता है जब दोनों आपके पास स्मॉल आर हो, तो ही आपका व्रिंकल बन सकता है। और येल्लो के लिए वही कंडीशन है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई कैपिटल वाई। ठीक है, अब जो बचे हुए उसमें से देखेंगे। अब मैं क्या करूंगी, सर्कल बना दूंगी। तो देखो दोनों स्मॉल आर और दोनों कैपिटल वाई यानी व्रिंकल एंड येल्लो,
इसमें कैपिटल स्मॉल ये भी हमारी कंडीशन में है और ये भी हमारी कंडीशन में, तो हमें ब्रिंकल एंड येलो भी मिले 3। ब्रिंकल एंड ग्रीन कितना बचा आपके पास, एक ही बचा, तो वो क्या हो गया, एक। तो यहाँ पे आपको जो फिनोटाइप रेशियो है यानी फिजिकल दिखने वाला जो रेशियो है वो आपको क्या मिला, 9:3:3:1। ठीक है, आपको फिनोटाइप रेशियो कितना मिला, 9:3:3:1। 9 है आपके राउंड एंड येलो, 3 क्या है आपके राउंड एंड ग्रीन, व्रिंकल एंड येलो, और एक आपको मिला व्रिंकल एंड ग्रीन। तो ये आपको मिला है यहाँ पे फिनोटाइप। अब हम लोग बात करेंगे जीनोटाइप रेशियो यानी कि जेनेटिक मेकअप रेशियो की। ठीक है, जो आप अभी से सोच रहे होंगे यार कितना बड़ा रेशियो आएगा, ठीक है, बट मैं आपको एक मस्त से ट्रिक सिखाऊंगी जिससे कि आप इसको एकदम आसानी से पूरा रेशियो कैलकुलेट कर लोगे। जीनोटाइप, जीनोटाइप रेशियो का मतलब हम लोग को यहाँ पे देखना है जेनेटिक मेकअप, यानी कि जेनेटिकली हमारे पास कितने डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स है, हाउ मेनी डिफरेंट ऑफस्प्रिंग्स डू वी हैव जेनेटिकली। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट में ये एक जीन हमारे पास है कैपिटल आर कैपिटल वाई, यानी कि ये जीन है हमारे पास जिसे मैं बोलूंगी प्योर राउंड एंड येल्लो। क्या जीन है मेरे पास, प्योर राउंड एंड येल्लो। अब ऐसे मैं देखूं काउंट करूं तो कितने हैं, सिर्फ ऐसा ही होना चाहिए, यही वाला जीन अब मुझे देखना है क्योंकि ये जेनेटिक है, ये हम फिजिकल रेशियो नहीं देख रहे। सो 1, I have only 1। ठीक है, तो ये मेरे पास कितना है, दिस इज 1। इसको मैं राउंड कर दिया, मतलब इसको यूज कर लिया, इसको काट दिया। अब ये वाला मैं देखूंगी कैपिटल आर स्मॉल वाई, यानी अब मुझे सिर्फ यही वाला देखना है प्योर राउंड हेट्रोजाइगस येल्लो। क्या बोलेंगे हम इसको, बोलेंगे प्योर राउंड एंड हेट्रोजाइगस येल्लो। हेट्रोजाइगस येल्लो का मतलब एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई, तो ऐसा यहां पे एक है 1, 2, सो ऐसे है हमारे पास 2। अब हम लोग थर्ड ये वाला देखेंगे। अब ये क्या हुआ, हेट्रोजाइगस येलो एंड प्योर, सॉरी हेट्रोजाइगस राउंड एंड प्योर येलो। अब ऐसे वाले अगर मैं काउंट करूं तो मेरे पास कितने हैं, 1, 2, सो अगेन आई हैव 2। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, 1:2:2:2:4:1:2:2:1। अब आप ये बोलोगे कि मैम इतना बड़ा रेशियो हम एग्जाम में कैसे काउंट करेंगे, इसको अगर लर्न करने जाएंगे तो बीच में भूल जाएंगे तो हमारे मार्क्स कट हो जाएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी, अब मैं एक सिंपल ट्रिक बताती हूँ। पहले मैंने ये रेशियो पूरा काउंट करके इसलिए बताया कि आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना हो कि ये रेशियो हमने कैसे निकाला है। अब मैं पूरा आपको इसका कैलकुलेशन समझा दूंगी तो आप एकदम विदिन 30 सेकेंड आप पूरा रेशियो निकाल लोगे, वो भी एकदम करेक्ट। अब इसकी सीक्वेंस अगर आगे पीछे भी करते हो आप, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि आपको रेशियो से मेन काम है। सो नाउ आई विल टेल यू अ स्मॉल ट्रिक। तो अब ट्रिक ये है, अगर मैं बात करूं यहां मोनोहाइब्रिड डाईहाइब्रिड और मैं ले लेती हूं ट्राईहाइब्रिड, आगे का आप खुद ही कैलकुलेट कर दोगे, मुझे सिर्फ एक फॉर्मूला बताना है आपको। अब अगर मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है, तो उसका हमें याद है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप क्या आया था। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप सबको पता है 1:2:1। अब डाईहाइब्रिड का जीनोटाइप मुझे निकालना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं कि मैं पूरा स्क्वायर बनाऊं एक एक को गिनूं, तो मुझे सिंपली क्या करना है, ये जो मोनोहाइब्रिड का मेरे पास जीनोटाइप आया है इसको स्क्वायर कर देना है, इसका मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। अब देखो 1:2:1:2:4:2:1:2:1 आ गया आपका रेशियो विद इन सेकेंड्स। अब ट्राई हाइब्रिड में हम क्या करेंगे, तो 1:1
1:1 तो इससे आप ट्राई हाइब्रिड का रेशियो निकाल लोगे। अब वैसे ही अगर मैं बात करूं फिनोटाइप के लिए, तो फिनोटाइप का रेशियो क्या है, 3:1। डाइहाइब्रिड में क्या आएगा, 3:1 × 3:1, तो ये क्या हो जाएगा, 9:3:3:1। वैसे ही ट्राई हाइब्रिड में आपको तीन बार करना है। ठीक है, तो आई होप ये ट्रिक आपको मेरी पसंद आई होगी, जो बहुत ही आसान ट्रिक है मेरी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको और ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप जेनेटिक्स के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं, स्पेशली जो बच्चे 12th क्लास में हैं, तो वो जेनेटिक के न्यूमेरिकल वो ट्रिक यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। ओके, आई होप यू लाइक माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।